5 जनवरी नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा दे विच पारी चूक हो जाण अते इसकी पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होण दी गल भाजपा वल्लों अज प्रैस कॉन्फ्रेंस करके फिर तो दोहराई गई है। भाजपा दे चंडीगढ़ के प्रधान अरुण सूद ने कहा है कि यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा सी अते इस तो पहला कदे भी इतिहास दे विच किसी भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा दे विच इन्नी भारी चूक नहीं हुई। सुरक्षा एजेंसियां लगातार दसदियां रही ने कि किथे किथे रूट है अते किस थान उत्ते रूट गुजरेगा अते बठिंडा एयरपोर्ट उत्ते भी दस्या गया कि उन्होंने पूरे रस्ते नूं सैनिटाइज किया गया, लेकिन बावजूद इसके भारी चूक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा दे विच हो गई अते प्रधानमंत्री अपने ही देश विच किवें खतरा हो सकता है, इसलिए पंजाब सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। जे जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, उन्होंने जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई, इस घटना का सारा ब्यौरा दिया, किस प्रकार से ये सारी घटना हुई, कहां कहां क्या क्या कमियां रही। तो हमारा ये भी आरोप है, इस बात से सिद्ध होता है कि पंजाब सरकार या पंजाब का पुलिस प्रशासन जो है वो किसी एक आम साधारण नागरिक को प्रधानमंत्री की सुरक्षा के विषय में सारे प्रोटोकॉल्स की जानकारियां देते हैं, उसमें कहां कहां चूक हुई ये सारी जानकारियां देते हैं। मैं समझता हूं कि ये भी जो है वो सरकार में बैठे हुए लोगों को ये प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ये उचित नहीं है। आप किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को, और उनको इन चीज़ों की जानकारी लेने में क्यों इंटरेस्ट था, ये विषय जो है जनता के सामने आने चाहिए। और वैसे पहले भी हमने कहा है, तो ये सारी चीज़ जो है वो प्लान्ड थी, किसी ना किसी तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक करके उनके जो काफिला था उसमें बाधा डाल के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को खतरे में डाला गया। तो इस कारण से हमने ये विषय आपके सामने रखा है कि उन अधिकारियों के विषय में जो लोगों ने सूचना सीआईडी इनपुट्स मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं की, उनके ऊपर उनके नामों का खुलासा होना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी प्रकार से वो कौन राजनेता थे कांग्रेस के जिन्होंने ये निर्देश उन अधिकारियों को दिए। उते ही इस मौके भाजपा प्रधान अरुण सूद ने पंजाब कांग्रेस दे आगू नवजोत सिंह सिद्धू नूं भी करड़े हत्थी लिया अते नवजोत सिंह सिद्धू नूं अरुण सूद ने कमेडियन करार दिता ते नाल ही कहा कि पंजाब कांग्रेस दे आगू लगातार इस नूं लैके जो बयानबाजी कर रहे ने इह होछी राजनीति दर्शाउंदा है। जगबाणी टीवी लई चंडीगढ़ तों भगवत सिंह दी रिपोर्ट।